हेलो दोस्तों, आज अगेन मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन हो रहा हूँ। और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये बेसिकली दिस वीडियो इज ऑन पार्ट्स ऑफ द मशीन फॉर एक्सट्रूडर एंड मिल, स्पेशली एसीएम। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी नॉलेजेबल वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम यू विल गेट न्यू वीडियो ऑन टाइम। वेन एवर आई विल मेक अ वीडियो यू विल गेट ऑन टाइम। दोस्तों, ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये एयर क्लासिफाइंग मिल के पार्ट्स, एक्सट्रूडर के पार्ट्स, कोशिश हमने की है पार्ट्स को लेने के लिए, और हमें उम्मीद है आप लोग को इससे बेनिफिट होगा। ये हमारा देखिए पाउडर कोटिंग में जो मशीनें यूज होती हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। दिस इज अ फ्लो डायग्राम ऑफ द प्रोडक्शन फ्लोर। यहाँ पर वेइंग के बाद में ये हमने यहाँ पर कंटेनर मिक्सर का ड्राइंग लिया हुआ है, बट मिक्सर कोई भी ले सकते हैं आप लोग, बैच साइज या कंटिन्यूअस। दिस इज कंटिन्यूअस मिक्सर। तो वेइंग के बाद में यहाँ सारा मटेरियल इसमें डाला जाता है और प्री मिक्स करके, ये देखिए ये एक्सट्रूडर का हॉपर है। मटेरियल को हॉपर में हम डालेंगे कनेक्टिंग विद द पाइप्स, और ये एक्सट्रूडर में आने के बाद थ्रू स्क्रू जो भी रेजिन है वो मेल्ट होता है, एंड जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट हैं दे ऑल विल गेट मेल्ट मिक्स्ड एंड एक पेस्ट फॉर्म में ये एक्सट्रूडर से निकलता है। ये सभी लोग जानते हैं आप लोग, और यहाँ पर किबल होकर चिप्स फॉर्म में आ जाता है। चिप्स को हम देन अगेन फिर ग्राइंडिंग में लेते हैं एसीएम में, और एक ग्राइंडिंग होके यहाँ पर पाउडर आ जाता है, और ये इधर डस्ट कलेक्टर में फाइन पाउडर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम जनरेटेड बाय दिस ब्लोअर फैन। सो जितने भी पाउडर की है न्यूमेटिक कन्वेइंग होती है सारी। ये देखिए दो तरह के मिक्सचर मैक्सिमम यूज होते हैं। पहला है बैच साइज, दिस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसमें हम एक्चुअली सपोज 500 kg या 1 टन कोई भी कैपेसिटी का कंटेनर लेके और इसमें मिक्सिंग करते हैं, और ये 200 या 500 मैक्सिमम का होता है। इस तरह का मिक्सचर बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो इसमें मोटर की हेल्प से इसमें ब्लेड रहता है, ये बिल्कुल जैसे घर में डोमेस्टिक मिक्सी होती है वो उसके तरह का ही होता है बिल्कुल। कहीं कहीं पर ये डबल कोन ब्लेंडर भी यूज होते हैं, बट इनकी साइज का लिमिटेशन है, मैक्सिमम 500 kg तक हो सकता है। इसको कर सकते हैं हम 1 टन भी ले सकते हैं, बट स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि 1 टन या 2 टन के लिए डबल कोन में काफी ज्यादा स्पेस चाहिए। ये इंडियन मेड प्री मिक्सर है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि यह हॉपर है एक्सट्रूडर का, और हॉपर में मटेरियल आके यहाँ स्क्रू से निकलता है। ये हमने स्क्रू के अंदर के पार्ट दिखाने की कोशिश की है बैरल का। ये जो बैरल है, बैरल स्प्लिट बैरल होता है, इसमें 1 2 3 तीन सेगमेंट हैं, तीन सेगमेंट नीचे और 1 2 3 तीन सेगमेंट ऊपर। और जो ये स्क्रू है ये बहुत स्टार्टिंग में फाइन रहता है, जो कि यानी रेजिन के जो फ्लेक्स हैं उनको क्रश करके छोटा छोटा कर देता है, और ये देन कन्वेइंग स्क्रू है। ये यहाँ तक कन्वेइंग स्क्रू रहेगा, उसके बाद पहले स्टार्टिंग में 30 डिग्री कुछ पेडल लेते हैं हम एलिमेंट, देन 45, और यहाँ पर ये 90 डिग्री। ये डिग्री क्या रहता है, दिस इज
रिलेटिव टू द फर्स्ट स्क्रू, फर्स्ट पेडल। तो जो फर्स्ट पेडल रहता है वो इस कन्वेइंग स्क्रू के बिल्कुल फेस फेस टू फेस होता है। देन उसकी जो टिप है यहाँ से हम डिग्री लेते हैं, यानी अगर ये ऐसे खड़ा है और दूसरा इसके 90 पे आ गया तो वो 90 डिग्री बोल। ये जैसे हैं, देखिए आप, एक स्क्रू एलिमेंट टॉप में है और एक ये आ रहा है, इनके टिप इस तरह से, ये 90 है सर, ये 45 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। जब मटेरियल यहाँ से मेल्ट होके 30 डिग्री या 45 पर आएगा, यहाँ पे मिक्स होके कन्वेइंग होगा, मैक्सिमम मिक्सिंग इसकी 90 डिग्री पर होती है। और एलिमेंट के बाद में दिस इज कॉल्ड एज कैमल बैक स्क्रू। कैमल बैक स्क्रू, इसका मेन काम यह है कि जो मटेरियल आगे जा रहा है उसको ये वापस अंदर फेंकता है, जिससे कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है और मिक्सिंग और बेटर हो जाती है। बट आजकल हमने देखा है कि काफी लोग जो हमारे मशीन बनाने वाले हैं वो कैमल बैक को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर कन्वेइंग स्क्रू है उसी को यहाँ पर लगा देते हैं। कैमल बैक का देखिए एक फायदा और भी है कि अगर कैमल बैक दोनों स्क्रू में लगा हुआ है, ठीक है, तो जो लेफ्ट का स्क्रू लेफ्ट में ही बैठेगा, राइट का स्क्रू राइट में ही बैठेगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपके मशीन की एक्यूरेसी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। सपोज आपने लेफ्ट का स्क्रू आपका ज्यादा मतलब इस साइड के हिसाब से वो घिस गया है, तो अगर राइट का स्क्रू इस साइड में ले जाएंगे तो उसमें जो एक्यूरेसी वो चेंज हो जाएगी, और ये अगर अपनी पोजीशन पे लगेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कैमल बैक ही लगाना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो एक्यूरेसी में फर्क आएगा, और अगर लेफ्ट स्क्रू लेफ्ट में और राइट स्क्रू राइट में है लगा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्चुअली इसी चीज को बाईपास करने के लिए आजकल मशीन मैन्युफैक्चर इसमें यहाँ वाले उसको लगा देते हैं, कन्वेइंग वाला जो ये पीछे वाला पीस वो यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि तो इसका डिजाइन ही बिल्कुल अलग होता है, कैमल बैक डिजाइन अलग होता है। और ये बैरल है, बैरल के अंदर हीटिंग हीटर्स लगे होते हैं, एंड ये पाइप्स होते हैं जिनमें चिल्ड वाटर चलता है। तो हीटर एंड चिल्ड वाटर दोनों की हेल्प से इसमें सॉलेंट वाल्व लगे होते हैं। सॉलेंट वाल्व में यानी उसके थर्मोकपल के लिए हम जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे उसके हिसाब से हीटिंग कूलिंग इसमें चलती रहती है। इसमें नहीं दिखा पा रहे हम यहाँ पर, जब बैरल बंद हो जाती है तो एक चिल्ड प्लेट और रखती है। चिल्ड प्लेट का काम ये रहता है कि जो मटेरियल अंदर से आ रहा है उसको थोड़ा सा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर दे, और उसको प्रॉपर तरीके से जो यहाँ से पेस्ट निकल रहा है उसको डायरेक्शन दे नीचे के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये प्लेट लगी हुई है, यस दिस इज चिल्ड प्लेट, इसमें भी बिल्कुल चिल्ड वाटर चलता रहता है। तो जब यहाँ से जो पेस्ट गिरता है वो ये चिल्ड रोल है, यानी रोल्स SS के होते हैं, और इनके अंदर ये चिल्ड वाटर सर्कुलेट होता है जिससे ये ठंडे हो जाते हैं। जब ये मोल्टन मटेरियल जिसका टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जैसे ही इन रोल के ऊपर पड़ता है, ये दो रोल होते हैं, एक ये है और एक पीछे होगा, दोनों रोल के बीच में से पास होके उसके शीट बन जाता है, और शीट देन पीछे से बैक आके यहाँ आएगा, आगे से फैन लगे होते हैं वहां ठंडा होगा, देन ये इस पोर्शन में आएगा, और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इस जगह ये ढक्कन हम बंद रखते हैं इसको, तो जब वो शीट यहाँ पर आएगी देन ये पिंस लगे हुए हैं, पिंस हैं या इसमें भी कुछ कटर लगे होते हैं, तो ये चिप्स को बहुत छोटा छोटा कर देते हैं। ये एक्सट्रूडर के बाद में देखिए हमारे मिल का कुछ पार्ट्स हैं, जो ACM मिल में ये ग्राइंडिंग प्लेट प्लेट होती है जिसमें
हम दो तरह से कर सकते हैं, ये तो एक ग्राइंडिंग ब्लॉक्स हैं जो कि टंगस्टन कार्बाइड के होते हैं, इन पे टिप लगी होती है, और या इसकी जगह हम हैमर पिन भी यूज कर सकते हैं। हैमर पिन में बेटर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और ब्लॉक्स में थोड़ा सा नैरो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पूरा स्पेक्ट्रम इसमें नहीं मिल पाता है। और ये हैमर प्लेट जो है ये इसमें माउंटेड होती है, ये पूरी असेंबली है जिसको हम हाउसिंग असेंबली बोलते हैं। मेल जैसे एसीएम की कैपेसिटी जो है उस पे मोटर जितनी भी कैपेसिटी की लगाएंगे, एचपी की लगाएंगे, उसके हिसाब से ये हो जाता है। जैसे अगर हम 5 HP की मोटर लगाएंगे, ऑब्वियस उसके लिए मशीन भी छोटी छोटी लग बनेगी, तो हम उसको ACM 5 बोलेंगे। 10 HP की मोटर लगेगी मिल में भी एंड ब्लोअर में भी, दोनों 10 HP की सेपरेट सेपरेट लगती हैं, तो हम इसको ACM 10 बोलते हैं। इसको 20 करेंगे देन 20 ACM 20 हो जाएगा, 40 40 HP की लगाएंगे तो ACM 40 हो जाएगा। ये असेंबली दो तरह से बनाई जाती है, ये एक तो ग्राइंडिंग प्लेट इसमें लगती है, कुछ लोग क्लासीफायर भी इसी में फिट कर देते हैं, और कुछ लोग क्लासीफायर को जो ऊपर से मिल चैम्बर का ढक्कन होता है उसमें फिट करते हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये मल्टी डिफ्लेक्सर होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसमें जो मटेरियल ग्राइंड हो रहा है उसको अलग अलग डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट करता है, ये क्लासिफायर है। ये हमारे मिल की असेंबली है जिसमें ये मेन मिल मोटर लगी हुई है, ये मिल चैम्बर है, ये फीडिंग हॉपर है देन फीडिंग स्क्रू, और इसके लिए ये मोटर लगी हुई है, ये हार्डली 1 HP की रहती है मोटर। और इस असेंबली को भी आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये भी ये देखिए फुल पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राइंडिंग असेंबली, ये क्लासिफायर मोटर, ये मेन मिल मोटर, इसमें मतलब एक ही शाफ्ट के ऊपर दोनों चीज लगी हुई है, यानी क्लासिफायर भी मिल भी, ग्राइंडिंग मिल। यहां पर देखिए चेंज किया गया है, इसमें क्या है कि जो जैसे ये असेंबली आ गई, वो देखिए साइड वाली मोटर जो हमारी ये मोटर लगी हुई थी इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर ले आए, तो क्लासिफायर यहाँ पर पहुंच गया और मेन मिल ये देखिए। तो जब ये ढक्कन इसको क्लोज करते हैं तो ये क्लासिफायर इसमें फिट हो जाता है। ये देखिए सारे पार्ट एक साथ हैं, पाउडर ग्राइंड होने के बाद ये सीव मशीन है जिसमें पाउडर ऊपर से एयर एयरलॉक रोटरी एयरलॉक से पाउडर यहाँ पर गिरेगा, ये वाइब्रो सीव है बेसिकली। इसमें जो ये मेस क्लॉथ लगा हुआ है, नॉर्मली 140 मेस या 160 मेस का लगाएंगे, अगर ये नायलॉन थ्रेड का बना है तो 140 बहुत है, और अगर ये मेटेलिक है, मेटल के जो थ्रेड हैं उनसे बना हुआ है मेश, तो हम 160 या 180 तक भी जा सकते हैं। यहाँ से ये पाउडर सारा निकलता है जो फाइननेस वाला होता है, और जो कोर्स ऊपर बच जाता है उसको हम या तो ऊपर से ही निकाल देते हैं या साइड में, इसमें भी कुछ मशीन होती है जिसमें साइड से वो कोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता रहता है।
एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें इस वाइब्रो सीव मतलब किस तरह ये वाइब्रेट करती है, इसमें एक्चुअली नीचे जो मोटर है उसको अनबैलेंस करना पड़ता है, अनबैलेंस करने की वजह से ही इसमें वाइब्रेशंस आते हैं, तो हम एक अलग वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे आपको। ये हमारे पार्ट हैं जिसको हमने दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए ये मिल का पोर्शन हो गया, सक्शन है, ये इस तरह से ग्राइंड हो रहा है इसमें। ये जो फोटो है हमें राठी इंजीनियरिंग के सौजन्य से मिली है, सो आई एम थैंकफुल टू राठी इंजीनियरिंग। ये एक वीडियो हमारे पास है जो कि ये देखिए चिप्स हमने रखा हुआ है और ये ग्राइंडिंग में जा रहा है, ये सारे चिप्स हैं। ये वीडियो राठी इंजीनियरिंग का नहीं है, हमारे एक लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके सौजन्य से मिला है। ये स्क्रू फीडिंग हो गया, ये मेन मिल है, ये डस्ट कलेक्टर है, इसके पीछे ब्लोअर फैन लगा हुआ है जो कि सक्शन करता है और जो स्टार्टिंग में पाउडर ग्राइंड हो रहा है उसको शक कर लेता है। साइक्लोन में आकर बहुत फाइन पाउडर तो डस्ट कलेक्टर में आ जाता है और जो रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज है वो यहाँ पर इसमें कंटेनर में आ जाता है। इसको हम ऑनलाइन सीविंग भी कर सकते हैं या कंटेनर को चेंज करके इसको सीव में डाल के उसको सीव करें। तो दिस वॉज अबाउट सम पार्ट्स ऑफ द एयर क्लासिफाइंग मिल एंड एक्सट्रूडर। होप है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएंगे आप लोग को मिलेगा। हम अपने जितने भी व्यूअर हैं उनके बहुत थैंकफुल हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसको व्यूइंग का मतलब पूरा वीडियो देखा है, देखिए कुछ हमारे पास इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि इसको पूरा पूरा वीडियो लोग नहीं देखते हैं। थैंक यू। और हमारा वीडियो देखने से भी ज्यादा है कि आप लोग देखने के बाद हमको मैसेज जरूर करिए, कमेंट जरूर डालिए, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो वो आप जरूर डालिए।